माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं होने के वजह से आप लोगों के लिए मैं वीडियोस नहीं ला पा रही हूं, इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलती हूं। ओके, मगर मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए रेगुलरली वीडियोस लेकर के आऊं। प्लीज़ मुझे फॉरगिव करें कि आपका ये वीडियो देखने का, या अगर आप मेरे से कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं तो उसमें देर हो रही है, बट तबीयत की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज जो रीडिंग मैं लेकर के आई हूँ, जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे हो सकता है रेजोनेट करें, हो सकता है ना रेजोनेट करें। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आपसे रेजोनेट करती हैं, वेल एंड गुड। अगर आपसे नहीं चीज़ें रेजोनेट होती हैं, आप मेरे चैनल पे या किसी और चैनल पे जाकर के कोई दूसरा सा वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, पिंक और वाइट। इन दोनों पाइल्स को बिल्कुल ध्यान से देखिए। जो पाइल आपको कॉल कर रहा है, उस पाइल को सेलेक्ट कीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, मेडिटेट कीजिए और एक किसी पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी। आप उस रीडिंग को सुन सकते हो। जो टाइम स्टैम्प्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो वहां से जाके आप अपना टाइम स्टैम्प भी देख सकते हो। ओके, तो अभी मैं आपको समय दे रही हूं, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पिंक पाइल की रीडिंग करूंगी, उसके बाद मैं वाइट पाइल की रीडिंग करूंगी। तो वाइट पाइल को हमने साइड कर दिया है और देखते हैं हमारे पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। एज एन आपके पार्टनर आपके लिए प्रेजेंटली क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में आपको लेकर के क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो सबसे पहले और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है उससे ही डिस्कशन शुरू करते हैं। ओके, उससे ही अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हो सकता है आप इस पर्सन से मैरिड हो या ये पर्सन के साथ आप मैरिज करना चाहते हो। बोथ दी सिचुएशंस में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ओके, आप दोनों के बने हुए प्लान्स, आप दोनों के डिसाइड किए हुए की हुई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ना कमिंग, जो आप लोगों ने साइड किया, जैसे आप लोग चीज़ों को रखना चाहते थे, जिस तरीके से आगे लेके जाना चाहते थे, उसमें कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। आप दोनों के बीच में लैक ऑफ प्लानिंग है। अभी देखिए, अगर मैरिज करना हो या मैरिड हो, या हो सकता है आप मैरिड हो, आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, एनीथिंग, जहाँ पे भी मैरिज का कुछ बॉन्डिंग आता है, ओके, तो वहाँ पे आप लोगों को ये देख के चलना होगा। ओके, कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से आप लोगों के मैक्सिमम प्लान्स, जो चीज़ आप लोगों के बीच में अच्छी चल रही थी, वो सडनली अप डाउन कैसे होने लग रही है। ओके, तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। एक एक एनर्जी, एक एक सिचुएशन को आप दोनों के बीच में जो चल रही है उसको चेक करना होगा। देखिए, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे हैं वो इन एंड आउट सिचुएशन में है। हो सकता है कभी उनकी बात हो रही है, कभी उनकी बात नहीं हो रही है। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत काफ़ी समय से बात नहीं हुई है, जिसके वजह से वो बैक एंड अगेन सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओके, क्या वो आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। तो देखिए, ये पर्सन सोच भी रहा है और कहीं ना कहीं किसी ऐसे पर्सन के साथ आपके बारे में डिस्कस भी कर रहा है जिसको ये अपने बहुत करीब समझते हैं। हो सकता है ये कोई फैमिली मेंबर हो, कोई दोस्त हो, कोई फ्रेंड हो, कलीग हो, जिसके साथ वो अपनी मन की बातें कह सकते हैं। उस पर्सन के साथ आपके कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं। ओके, एट द सेम टाइम ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में फुल्ली इन्फॉर्म्ड रहने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पार्टनर की आपसे बात नहीं हो रही है या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो वो आपके बारे में इन्फॉर्म्ड नहीं है या वो जानने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उनको पूरी तरीके से पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं।
कुछ लोग यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के डर रहे हैं कि कहीं उनके पार्टनर की या उनकी खुद की मैरिज ना हो जाए। हो सकता है कि आपके फैमिली में या आपके पार्टनर के फैमिली में इस टाइप का कोई मैरिज टाइप का सिचुएशन चल रहा हो, जिसे अभी प्रेजेंटली आप और आपके पार्टनर जो हैं वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आप लोगों को भी नहीं समझ आ रहा है कि इसको हैंडल करना कैसे है, किस तरीके से हैंडल किया जाए कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बिल्कुल परफेक्ट रहें, बिल्कुल सही रहें और कोई भी दिक्कतें ना आए। ओके, बिकॉज आप दोनों का रिलेशनशिप, सी आपके पार्टनर के माइंड से आप नहीं निकलोगे, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप इस पर्सन को एज अ पार्टनर कम और एज अ फैमिली मेंबर ज्यादा समझते हो। ओके, एंड जेंटलमैन का कार्ड है, तो इस रिलेशनशिप का जो भी मैन है या जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है वो इंसान काफी जेंटल होगा। ओके, और होप्स, स्टार का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आप लोगों को लाकर के साथ में किया है। तो ऑफ कोर्स इस पूरे सिचुएशन में आप ये लेकर के चलो कि आपके पार्टनर जो हैं, ओके, मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके साथ रहना या आपके पास रहने में ही उनका फायदा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनके अंदर ये चीज डालेगी। ओके, जो लोग उनके अराउंड हैं, जो उनके शुभ चिंतक हैं, ओके, वो उनको आपके साथ रहने के लिए या किसी ऐसे रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए बोलेंगे जहां उनको खुशी मिलती है। ओके, तो अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई इस पर्सन से मैंने शादी कर ली या इस पर्सन के साथ मैंने शादी करने का सोचा या मैरिज टाइप रिलेशनशिप रखा एंड अभी ये सारे अप डाउन्स आ रहे हैं, क्या कोई बिहाइंड द सीन एक्ट कर रहा है? तो पॉसिबिलिटी है कि कोई बिहाइंड द सीन आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। ओके, कोई फैमिली का ऐसा मेंबर हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप में नोइंगली आपके जाने या अनजाने प्रेजेंट है। ओके, जो आपके रिलेशनशिप के बारे में इन एंड आउट जानता है। हो सकता है कि बहुत लोगों को यहाँ दिक्कत ही इसलिए हो रही है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप हमारा है तो इसमें और किसी के आने की क्या जरूरत। ओके, एज इन आप चाह रहे हो कि ये जहाँ तक प्राइवेट रह सके, आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ उतना ज़्यादा प्राइवेट रहे, मगर कहीं ना कहीं आप दोनों के सीक्रेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। आपके पार्टनर इनोसेंटली उनको ऐसा लग रहा है कि सारे लोग जो होते हैं ना, मतलब अच्छे ही होते हैं और कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है। और अभी ये जो अप डाउन चल रहा है, तो आप काफ़ी बहुत टाइम्स पर ऐसा लगता होगा कि शायद ये पर्सन अपने ज़िंदगी में, अपने काम में बिजी हो चुका है, मगर याद रखें ये पर्सन अपने जिंदगी और अपने काम में भले ही कितना भी ज्यादा इंगेज हो जाए, मगर आपका थॉट इस पर्सन के माइंड से नहीं निकलेगा। ओके, बैक एंड अगेन ये सोचेंगे और कभी कभी ये इतना ज्यादा सोचेंगे कि उसके वजह से भी इमोशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी। ओके, बिकॉज देखिए सोच रहे हैं मगर मुझे ना एक्शन का कोई कार्ड नहीं नजर आ रहा है। आपको इंट्यूटिवली बहुत टाइम्स पे ऐसा लगा भी होगा कि वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं या आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, मगर फिर जब उनका कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो आपने ये चीज़ जो है ना वो धीरे धीरे सोचना छोड़ दिया। सौरों का कार्ड है, तो ऑफकोर्स आपके बिना ये पर्सन खुश नहीं रहेगा। ओके, कहीं ना कहीं उनको ये कमी बार 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 आएगी, स्पेसिफिक नाइट टाइम पे सबसे ज्यादा ये आपको याद करेंगे। ओके, सबसे ज्यादा ये आपको इनको आप इनको मिस करो, वो आपको मिस करेंगे सबसे ज़्यादा नाइट टाइम पे। और कुछ एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं ना जिससे कि मतलब उनकी इज्जत भी ना जाए, ईगो भी ना जाए और रिलेशनशिप भी बन जाए। ओके, तो कुछ एक क्रिएटिव सा ये तरीका ढूंढ रहे हैं, कुछ एक अलग सा तरीका ढूंढ रहे हैं। हो सकता है, देखिए एक कॉमन तरीका तो ये हुआ कि वो आपको फ़ोन उठाए और ये कह दें कि भाई मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ और आप दोनों का रिश्ता बैक ऑन वो पे आ जाए। ओके, और दूसरा ये कि वो कुछ ऐसा सा करने की कोशिश करेंगे, वो किसी ऐसे एनर्जी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि उनकी इज्जत भी ना जाए, उनका ईगो भी ना जाए और रिलेशनशिप भी हो जाए, क्योंकि उनके माइंड में आइडियाज़ तो चल रहे हैं। तो हो सकता है वो कोई ऐसा दिन ढूंढें, जैसे आपका बर्थडे, उनका खुद का बर्थडे, या कोई सा ऐसा दिन ढूंढें जिस दिन वो आपके साथ इंटरेक्ट कर पाए बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी उसके डर के कि हाँ आप क्या सोचोगे क्या नहीं। ओके,
देखिए, आपके पार्टनर उन लोगों में से तो बिल्कुल नहीं है जो अपना पेन दिखा दें, ओके, जो अपना प्रॉब्लम्स दिखा दें, जो अपना पेन दिखा दें, जो आपको ये बता दें कि उनके लाइफ में क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके नहीं होने से, ओके. बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लाइफ में आपके होते हुए सक्सेस की तरफ जा रही थी, अभी बैक की तरफ जा रही हैं. जैसे आपके पार्टनर की फाइनेंशियल लाइफ में भी इश्यूज़ होंगे, मगर कहीं ना कहीं इस पर्सन का ना एक सिंगल ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है, फैमिली के तरफ इनका झुकाव काफी ज्यादा है. हो सकता है कि उनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, काफी ऐसी चीजें हों कि उनको अपने लाइफ में करनी है, जो कि अगर वो नहीं करेंगे तो और कोई भी नहीं होगा जो उनके बदले करते, ओके, या उनके जगह पे करते. तो उस वजह से भी आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैमिली फैमिली करते रहते हैं. एंड ऑफ कोर्स ये चाहते हैं कि आपका और इनका रिश्ता हमेशा रहे. ऐसा नहीं है कि वो ये चाहते हैं कि रिश्ता ना रहे, या वो आपको नहीं रखना चाहते हैं, या वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं. क्योंकि कोई भी पर्सन दुखी किसी के लिए क्यों होगा? आप मेरे लिए क्यों दुखी होगे अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हो तो, ओके. मगर कहीं आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि किसी भी थर्ड पर्सन को, चाहे वो कोई भी हो, आप लोगों को अनवांटेड तरीके से उनको रिलेशनशिप में नहीं आने देना चाहिए था, ओके. कहीं ना कहीं उन लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहे, ओके. कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपके पार्टनर को अभी एक राइट सजेशन दे, ओके, बिल्कुल राइट, और उनके उनको एक्शंस लेने में हेल्प करे, ओके. तो कोई उन्हें एक्शन लेने में भी हेल्प नहीं कर रहा है. इसके वजह से भी उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रुकी हुई हैं. सिक्स ऑफ वंस का रिपीट कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में दिक्कतें आना शुरू हुई हो मैरिज को लेकर के. मे बी आप मैरिज के लिए कमिटमेंट मांग रहे हो और वो कमिटमेंट देने को रेडी नहीं है, या आप इनसे मैरिज करना चाहते हो और वो मैरिज करने के स्थिति में नहीं है, या उनकी किसी और से मैरिज हो रही है, ओके. इवन घर में भी किसी की मैरिज हो सकती है जिसको लेकर के वो आपसे काफ़ी ज़्यादा बोलेंगे कि हाँ, हो सकता है कि अब नेक्स्ट मेरी शादी हो. मैरिज और मैरिज से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम के भी वजह से वो आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं. अब आपको यहाँ पे बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर नहीं जानते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो कि वो आपसे प्यार करते हैं. फिर जब सबको पता है, सबको आइडिया है, आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, फिर भाई अगर प्यार करते हो तो दूर क्यों जाना, ओके. तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेगा, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि भाई अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो आप मुझे हर्ट मत करो, या मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर मत रखो, ओके. बिकॉज इमोशनली जब ये आते हैं, ऐसी इमोशनल बातें करते हैं, फिर ये दूर चले जाते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग हो जाता है. आपको उनके एक्शंस में, उनकी बातों में वो पेन दिख जाएगा, आपको उनके डिस्टेंस मेंटेन करने का वो वजह दिख जाएगा, उनके दिल में जो पेन है वो आपको पता चल जाएगा. क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के जो पार्टनर हैं वो फ्लर्टिंग नहीं कर रहे हैं, ओके. ऐसा नहीं है कि वो आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपसे फ्लर्ट कर रहे होते तो आपसे इस लेवल का अटैचमेंट नहीं होता. मगर उनके हालात ऐसे हैं कि उनको आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल पसंद नहीं आएगी. आप इसमें हमेशा ऐसा चाहोगे कि भाई आप कोई एक्शन लो जिससे हम दोनों का साथ हमेशा बना रहे, और वहाँ पे जब वो एक्शन नहीं ले पाएंगे तो ऑटोमेटिक ये एक लड़ाई का, ये एक प्रॉब्लम्स का घर बनेगा आप दोनों के बीच में, ओके. द हर्मिट, कहीं ना कहीं उनको भी काफ़ी लोनली लगता है, वो आपको दिखाएंगे नहीं, ओके. हर कोई ऐसा नहीं होता है कि अपने पेन के बारे में, अपने दुख के बारे में, अपने लोनलीनेस के बारे में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करें. हर कोई इस टाइप के एनर्जी पे नहीं होता है. उसी तरीके से आपके पार्टनर भी उस टाइप के नहीं हैं. उनको अगर लोनली लगेगा भी ना, उनको अगर पेनफुल लगेगा भी ना, तो वो उसी सिचुएशन में चलते जाएंगे. वो बहुत
कम बातें बताते हैं, बहुत कम चीज़ें शेयर करते हैं, तो वो कम चीज़ें शेयर करते हैं उसके वजह से भी दिक्कत होती है कि आपको लगता है कि भाई अगर बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। ओके, और आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अभी सॉरी थोड़े समय तक चलेंगी। ओके, थोड़े समय तक ये प्रॉब्लम्स जो हैं चलेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस बात पर कीजिए कि एक प्लान बनाइए, ओके, कि कैसे आप दोनों को अपने रिश्ते को सही करना है। पॉजिटिव प्लान बनाइए, ओके, आपस में कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश कीजिए, मीटिंग्स करने की कोशिश कीजिए। बार बार आप लोग मिलने की कोशिश करते हो, बार बार आपके प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं, तो उन प्लान्स को सही करने की कोशिश कीजिए। एट द सेम टाइम प्रिकॉशन से एक्शन लीजिए, ओके, बिकॉज देखिए ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपके पास आने के बारे में नहीं सोचता, आपके बात करने के बारे में नहीं सोचता, या आपसे बात करते हैं तो आपके बारे में नहीं सोचते। एवरीथिंग इज गुड टू गो, मगर कहीं ना कहीं सोचते हैं, मगर अभी भी ओवरथिंकिंग वाला सिचुएशन चल रहा है। आप अपने पार्टनर को अपनी बातें बताएं, उनकी बातों को सुनने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कीजिए कि ये पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न हो जाए। देखिए फिजिकल डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर फिजिकल डिस्टेंस के वजह से इमोशनल डिस्टेंस के चक्कर में ना पड़ जाएं। ओके, तो ऐसा नहीं करना है कि अब बात ही नहीं करना है, या हमेशा एंगर ही रखना है, या हमेशा अपसेट ही रहना है, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना अकेला ही रहेगा। चाहे ये किसी के भी साथ रहें, दे विल ऑलवेज फील लोनली, दे विल ऑलवेज रिग्रेट बीइंग नॉट बाय योर साइड। कोई तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे वो आपके पास आ सकें। देखिए जाते भी खुद हैं ये मैं मानती हूँ, मगर आएंगे भी खुद, ये आप मान लेना। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे जाएंगे जो कि होगा हमारा व्हाइट पाइल रीडिंग। तो देखते हैं कि हमारे व्हाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, आपके पार्टनर करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, विल सी दैट। ओके, करेज, द क्रिएटर, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो समवेयर मुझे बहुत हाई स्पिरिचुअल एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ओके, सो या तो आपने प्रे किया होगा, जो प्रेयर सब आंसर होने वाली हैं, या तो आपने मैनिफेस्ट किया होगा, जो मैनिफेस्टेशन सब रंग दिखाने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर करेज आ रहा है रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, आपके तरफ मूवमेंट करने के लिए, जो चीज़ें गलत थी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। ओके, मतलब कि मान लीजिए सपोज ये पहले आपको कम समय देते थे, तो उसमें अब ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, अब उसमें चेंजेस आएंगे, अब उसमें बदलाव आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ज़रा सा भी चेंजेस लेकर के नहीं आएंगे, या ज़रा सा भी चीज़ें उस तरीके से नहीं करेंगे जिस तरीके से आप चाहते हो। ओके, तो इनमें कुछ पॉजिटिव, मेजर पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, ओके, वो लड़ाइयों में आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। ओके, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ जो आप लोगों के बीच में, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो काफ़ी समय से क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रही थी, ओके, एकदम से मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तो वो सब अभी ख़त्म होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। आपको इनके एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखेगा, इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव दिखेगा। ओके, जो पर्सन आपको पास्ट में डोमिनेट करने की कोशिश करता था, या अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करता था, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके ऊपर फोकस करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। ओके, आपको वो हैप्पीनेस देने में इंटरेस्टेड रहेंगे जो आप डिजर्व करते हो।
हो सकता है कि आपके पार्टनर नियर फ्यूचर में आपको अपने फैमिली का पार्ट बनाए, या अगर आप उनके फैमिली के ऑलरेडी पार्ट हो तो आपका और इनका एक अच्छा फैमिली टाइम निकल करके जाएगा। मतलब कि अगर आप बहुत टाइम से परेशान हो या थर्ड पार्टी एनर्जी है और आपको हमेशा ऐसा सा लगता रहता है जैसे अभी ये थर्ड पार्टी तो कभी नहीं जाएगा, कभी कुछ नहीं होगा, ओके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, अच्छा हंसता खेलता घर आपका परेशान हो गया या अच्छा हंसता खेलता रिलेशनशिप आपका खराब हो गया, तो ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है उस पर्सन का भी पावर आपके रिलेशनशिप पे कम होगा। ओके तो उस चीज़ के लिए भी आप गेयर अप करें, उस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहें। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत सारी चीज़ों में करेज दिखाएंगे। अगर वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे तो कमिंग टाइम पे वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर वो आपको जैसा मन की बात बताना चाहते हैं नहीं बता पाते हैं तो अब ना वो चीज़ है ना आप लोगों को पता चलने लग जाएंगे, आपस में आप लोग शेयर कर पाओगे। सी द क्रिएटर हैज़ पुट हिज और हर हैंड ऑन यू, तो द डिवाइन हैज़ केप्ट देयर हैंड ऑन यू। और जब डिवाइन किसी पे हाथ रख देते हैं या उसकी इच्छा को पूरा करने में हेल्प करते हैं तो आपने वेट किया, काफ़ी वेट किया, तो अब वो टाइम आया है आपके लाइफ में जबकि आपके पार्टनर के साथ आपके सारे इश्यूज जो हैं वो ख़त्म होंगे, इनके नेचर में चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ओके अब भी मैं आपको कहूँगी कि प्रेयर्स अपने रोकिएगा मत, ओके प्रेयर्स अपने रोकिएगा मत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चेंजेस आने के समय हमें प्रेयर्स का नीड नहीं होता है। ओके और आपके पार्टनर के अंदर वो करे जाएगा कि भाई वो आपके लिए बोल सकें, आपके साइड से बोल सकें, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो आपके लिए स्टैंड ले सकें। ओके और अभी जो सेपरेशन से आप गो थ्रू कर रहे हो सकता है कि आप सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे होंगे, काफ़ी समय से आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं चली हैं, तो वो सेपरेशन से अब आपके पर्सन जो है वो आपके पास रिटर्न होंगे। ओके वो सेपरेशन जो है आप दोनों के बीच में ख़त्म होगा, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए ये सेपरेशन अभी थोड़ा समय चलेगा, जिनके केस में एक से ज़्यादा थर्ड पार्टी का प्रेजेंस है, थर्ड पार्टी एनर्जी का प्रेजेंस है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में एक से ज़्यादा ऐसी एनर्जीज हों जिसके वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंसेस आई हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो एनर्जी है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं अभी कुछ टाइम और चलेंगी, ये सेपरेशंस कुछ और टाइम चलेंगे। ओके कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके जो पार्टनर हैं वो उनका सुनना छोड़ के पूरे दुनिया की बातें सुनते हैं। ओके और इसी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव भी है, काफ़ी समय से बात भी नहीं हो रही और आप बात करने में इंटरेस्टेड भी नहीं हो, आपको नहीं लगता है कि बिकॉज आप बहुत थक गए हो। ओके इस वजह से आप चाहते हो कि ये खुद ही रिटर्निंग आए, तो ये खुद रिटर्न आएंगे। ओके जिन लोगों का मेजर सेपरेशन चल रहा है, किसी किसी का ही यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन नहीं होगा, बाकी यहाँ पे 90% लोगों का रिलेशनशिप कमिंग टाइम में बहुत अच्छा ग्रो करेगा। क्योंकि देखिए आपके पार्टनर आपसे सेपरेशन लेकर के गए, ओके वो जो सेपरेशन का पेन होना चाहिए वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। ओके वो जो रिग्रेट आ करके अपने आप में बदलाव आना चाहिए वो बदलाव वो लेकर के आए। जो पर्सन का नेचर ऐसा था कि हमेशा आपको दबा के रखेगा, वो पर्सन के नेचर में आपको चेंजेस दिखेंगे। ओके जो पर्सन ऑलवेज थर्ड पार्टी एनर्जी में रहा, वो थर्ड पार्टी एनर्जी डाउन हो रही है। ओके थर्ड पार्टी एनर्जी कोई भी हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड, वर्क की एनर्जी, पास्ट, कोई भी, हमेशा झगड़ों के बीच में जहाँ पे कि आपको लग रहा था कि यार ये मतलब क्या है, कभी कोई ऐसा सिचुएशन ही नहीं आता है जिसमें कि आपस में समझ आए कि कौन सही है कौन गलत है, या कोई एक कॉमन पॉइंट पे आके खड़े ही नहीं हो पा रहे थे आप लोग, तो वो सारी चीज़ों में अब चेंजेस आएंगे। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ों में चेंजेस आएंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ओके तो जो आपने प्रे किया, आपके प्रेयर्स कहीं ना कहीं आंसर्ड हुए हैं और कमिंग समय पे आपको दिखेंगे भी। ओके सो कुछ गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाले हैं, उन गुड न्यूज़ को वेलकम करने के लिए रेडी रहिए। ओके
मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है इस कंपेनियनशिप के बारे में पॉजिटिव एनर्जी देते हुए सेंड कीजिए, ओके? और फियरफुल मत रहिए। जब क्रिएटर चाहेंगे कि आपका रिश्ता बरकरार रहे, तो दुनिया में कोई भी आपके रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगा, ओके? जिन लोगों के केस में बहुत सारे थर्ड पार्टी एनर्जी चल रहे हैं, लाइक बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिश्ते में आके घुस के बैठ गए हैं, उनके केस में थोड़ी दिक्कतें कमिंग टाइम में भी रहेंगी, ओके? जो प्रॉपर मेजर सेपरेशन से गुजर रहे हैं, जिनके हस्बैंड या जिनके पार्टनर या जिनकी वाइफ ज़रा सा भी ध्यान देने को भी रेडी नहीं है रिलेशनशिप में, उनके में दिक्कतें आएंगी। बाकी 90% लोगों के पार्टनर के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा भी, ओके? ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स कीजिए, करेज रखिए। जब इतने समय आप करेज रखने में सक्सेसफुल रहे, तो फिर अभी करेज नहीं रखने का क्या लॉजिक बनता है, ओके? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और अपने पार्टनर के साथ भी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने के पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।